1923, एज वाटर बीच होटल शिकागो। ये वो जगह था जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मीटिंग अटेंड होने वाला था, क्योंकि इस मीटिंग में शामिल थे एक बहुत ही बड़े स्टील कंपनी के फाउंडर चार्ल्स वाब और सैमुअल इंसुल, जो कि उस वक्त के लार्जेस्ट यूटिलिटी के प्रेसिडेंट थे, और कई बड़े बड़े बिजनेसमैन इस मीटिंग का हिस्सा बने। लेकिन आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि इस मीटिंग के ठीक 25 साल के बाद इनमें से कई लोग गरीबी से मरे, कुछ ने तो खुदकुशी कर ली और कुछ ने तो अपना दिमागी संतुलन तक भी खो डाला। अधिकतर लोगों का ये सवाल होता है कि अमीर कैसे बना जाए या फिर अमीर बनने के लिए क्या किया जाए, लेकिन उनका ये मानना ही गलत है कि सारी प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व की जा सकती है। ये प्रॉब्लम तभी सुलझेगी जब आप पूरे रूप से फाइनेंशियल लिटरेट बन चुके होंगे। देखिए, अगर आपको एक बुर्ज खलीफा जैसा बिल्डिंग तैयार करना है तो आपको उसके लिए गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा और उस पे एक मजबूत फाउंडेशन डालनी पड़ेगी। बट अगर आपको एक छोटा सा घर बनाना होगा तो आप 6 इंची कंक्रीट स्लैब पर ही घर तैयार कर सकते हैं। बट अफसोस तो इसी बात का है कि हम में से ज्यादातर लोग 6 इंची कंक्रीट स्लैब पर ही बुर्ज खलीफा जैसा बिल्डिंग तैयार करना चाहते हैं, और हम में से ज्यादातर लोग ऐसा करते भी हैं। तो जाहिर सी बात है, बिल्डिंग तो टूटेगी ही ना। हमारे पुअर डैडी चाहते थे कि मैं अच्छे ग्रेड्स लाऊं, जबकि इसके उलट मेरे अमीर डैडी मुझे फाइनेंशियल लिटरेट बनने पे जोर दे रहे थे, क्योंकि उनका मानना था सारा नॉलेज स्कूली लाइफ में नहीं सीखा जा सकता है। बेशक पढ़ाई लिखाई की अपनी एक अहमियत है, बट इसके भरोसे ही अपनी लाइफ को छोड़ा नहीं जा सकता है। इस लेसन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप एसेट्स और लायबिलिटीज, इन दोनों टर्म्स के बीच के फर्क को समझिए। अगर आपने इन टर्म्स को समझ लिया तो आप सच्चे रूप से अमीर बन सकते हैं। अब आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे, अगर ये टर्म इतना ही आसान है तो आज हर कोई अमीर होता है ना। बट यहाँ पे मामला इसके उलट है। ये टर्म इतना आसान है कि हर कोई इसके बारे में सोचता तक नहीं। सबको यही लगता कि एसेट्स और लायबिलिटीज, इन दोनों टर्म्स के बीच के फर्क पता है। वो तो इस वीडियो के एंड होते होते आप भी बता देंगे कि ये टर्म्स आपको पता थे या फिर नहीं। लायबिलिटीज वैसी चीजें जो आपकी जेब से पैसे निकालते हैं। जैसे मानिए आपने कोई कार खरीदी है, वे कार आपको हर साल इंश्योरेंस के तौर पे आपकी जेब से पैसे निकालते हैं, और इसके साथ हर दिन पेट्रोल के जरिए आपकी जेब से पैसे निकालते हैं। और इसके ही उलट है एसेट्स, वैसी चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालता है। जैसे मानिए आपने कोई घर खरीदा है जिसको आपने किराए पे लगा दिए हैं, जिसको आप एक्टिवली मैनेज भी नहीं करते हैं, और इसके बावजूद वो घर आपको हर महीने आपकी जेब में पैसा डालता है, तो हो गया ना बिना मेहनत का पैसा कमाना। अगर आपको भी अमीर बनना है तो आप एसेट्स खरीदिए, बट अगर आपको गरीब या मिडिल क्लास फैमिली बन के रहना है तो आप लगातार लायबिलिटीज खरीद सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली के कैश फ्लो, डेट मींस उसका पैसा किस तरह से आता है और किस तरह से खर्च हो जाता है। एक आदमी है जिसका नाम राम है, जिसका सोच और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, और वे हर महीने की तरह महीने के एंड में सैलरी आते हैं, और वे सैलरी आते ही सबसे पहले अपने लायबिलिटीज वाले कॉलम को फिल करते हैं। कभी मोर्टेज, कभी कार लोन, कभी हाउस लोन, कभी क्रेडिट कार्ड का बिल, बिजली का बिल, फीस, इन सब में अपना सारा पैसा खर्च कर देता है। तो उसके पास बचा क्या? कुछ भी नहीं। तो इसी कारण से वो अपने एसेट्स वाले कॉलम को फिल नहीं कर पाते हैं, और जिस कारण से वे हमेशा मिडिल क्लास फैमिली बन के ही रह जाते हैं। अब आइए देखते हैं एक पुअर क्लास फैमिली के कैश फ्लो। एक आदमी है जिसका नाम सैम है, जो कि हर महीने $1,000 कमाता है, जिसमें से वो $300 अपने छोटे से घर को रिपेयर करने में खर्च करते हैं, $200 टैक्स, $200 आने और जाने के किराए में खर्च, और $300 कपड़े और खाने में खर्च कर देते हैं। तो उसके पास बचा क्या? कुछ भी नहीं। बेशक इसके पास कोई एसेट्स नहीं होते हैं, बट इसके पास कोई लायबिलिटीज भी नहीं होते हैं, जैसे कि कार, बाइक, घर वगैरह वगैरह। और इनका सोच अगर इसी तरह से रहता है तो ये लगातार और ज्यादा गरीब होते चले जाते हैं। अब फाइनली आता है एक अमीर आदमी का कैश फ्लो। एक आदमी है जिसका नाम घनश्याम है, जो कि पैसे आते ही सबसे पहले अपने एसेट्स वाले कॉलम को फिल करते हैं, जिससे कि उसका पैसा 2 से 4 और 4 से 8 हो जाता है। अधिकतर अमीर लोग अपने दिमाग से सोचते हैं
और वे लोन लेकर के एक घर खरीदते हैं जिसको किराए पे लगा देते हैं। मानिए अगर उसके लोन का इंस्टॉलमेंट $1 है तो अपने घर से $2 किराए वसूल करते हैं, $1 बैंक को देते हैं और $1 अपने जेब में रखते हैं। तो हो गया ना बिना मेहनत का पैसा कमाना। एक्चुअली में हमारे अमीर डैडी और गरीब डैडी के बीच सिर्फ सोच का फासला है और कुछ भी नहीं। अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको सोच बदलना होगा और कुछ भी नहीं।